अब तक आपने चाइना की इकोनॉमी, करेंसी, डेवलपमेंट और वन बेल्ट वन रोड के बारे में जान लिया। अब इससे आगे सुनिए, इस गहरे और शांत समंदर को देखिए। इसे बहरुल काहिल या पैसिफिक ओशन कहा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा समंदर। इसी समंदर में छोटे छोटे टापू और समंदरी चट्टानों से घिरे हिस्से में एक चट्टान पर पिछले 20 साल से एक समंदरी जहाज खड़ा है। बहुत सालों से पड़ा होने की वजह से इस जहाज को जंग लग चुका है। इसके कमरों में कबाड़ के ढेर लगे हुए हैं। पैसिफिक समंदर इस जहाज को धीरे धीरे निगलता जा रहा है, लेकिन फिर भी यही जहाज कुछ इंसानों का घर भी है। सूखे इलाकों से सैकड़ों किलोमीटर दूर रहने वाले इंसान, ये इंसान रोज सुबह उठकर अपने चारों तरफ फैला समंदर देखते हैं और रात को इसी समंदर की लहरों का शोर सुनकर लुढ़क जाते हैं। ये काट लगा जहाज और इसमें रहने वाले चंद इंसान एक नई उभरती हुई ताकत के रास्ते की आखिरी दीवार है। जिस दिन समंदर इस जहाज को निगल लेगा, उस दिन शायद इस इलाके का इतिहास और भूगोल भी बदल जाएगा। जंग लगे इस जहाज को सेरामिडर के नाम से जाना जाता है और उस पर रहने वाले लोग फिलिपाइनी फौजी है जो पैसिफिक समंदर के इस वाले हिस्से को फिलिपाइन के कंट्रोल में रखना चाहते हैं। दूसरे वर्ल्ड वॉर के हारे हुए इस जंग खुर्दा जहाज से कुछ ही दूर सफेद रंग के दो और समंदरी जहाज बड़ी तारीकी से यहाँ पर पेट्रोलिंग करते हैं। ये दो सफेद रंग के जहाज चीन के कोस्ट गार्ड के जहाज है जो हर रोज ही उम्मीद लेकर सेरामिडर को देखने आते हैं कि आज तो ये जहाज डूब ही जाएगा और फिर ये समंदरी चट्टान, ये हिस्सा हमारा हो जाएगा। लेकिन दो देश एक छोटी सी चट्टान के लिए आखिर क्यों लड़ रहे हैं? समंदर के इस हिस्से में आखिर ऐसा कौन सा खजाना छुपा हुआ है और कौन सी खास बात है जिसने कुछ फिलिपाइनी इंसानों को अपनों से दूर रहकर एक जंग खाए हुए टूटे फूटे जहाज की रखवाली करने पर मजबूर कर दिया है? ये सुस्त या पैसिफिक समंदर के अंदर आखिर कौन सा नया तूफान उठ रहा है और ग्वादर पाकिस्तान और चीन के लिए इतना खास क्यों है? यही सब आपको बताएंगे इस आखिरी एपिसोड में। सो दोस्तों, फिलिपाइन का यह समंदरी जहाज जिस जगह पर खड़ा है वो स्प्रेटली आइलैंड्स कहलाता है। यहाँ पर 100 से भी ज्यादा छोटे बड़े टापू और समंदरी चट्टाने मौजूद है। स्प्रेटली आइलैंड साउथ चाइना सी का हिस्सा है। चीन का मानना है कि साउथ चाइना सी की हदूद ताइवान से लेकर मलेशिया तक है और इसी फासले के बीच में जितना भी समंदरी हिस्सा है वो सब सिर्फ और सिर्फ चीन की मिल्कियत है। जबकि वियतनाम की समंदरी सरहदों के करीब मौजूद 130 टापू और पहाड़ी चट्टाने जिन्हें पैरासिल आइलैंड्स कहा जाता है वो भी इसी समंदर में शामिल है। अब चीन इन सारे टापुओं पर अपनी मिल्कियत होने का दावा ठोकता है, लेकिन इसी इलाके के और भी देश जैसा कि वियतनाम, फिलिपाइन, मलेशिया और ब्रुनेई इस हिस्से पर चीन का हक होने के खिलाफ खड़े है। यहाँ तक कि ताइवान जिसे चीन अपना बागी राज्य कहता है वो भी चीन के दावे के खिलाफ है। बल्कि चीन का जितने भी टापुओं पर दावा है उन पर ताइवान का भी दावा है। यूं चीन और इसके इर्द गिर्द के देशों में समंदर पर कब्जा करने की एक भयानक जंग, एक कोल्ड वॉर जारी है। आज से नहीं, पिछले 45 बरस से। ये लड़ाई 1974 में शुरू हुई थी जब चीन ने पैरासिल आइलैंड्स पर कब्जा कर लिया था। इस तरफ ताइवान और वियतनाम दोनों इन सारे टापुओं पर अपनी मिल्कियत का दावा करते हैं और चीन के कब्जे को हरगिज नहीं मानते। दूसरी तरफ स्प्रेटली आइलैंड भी धीरे धीरे चीन के कब्जे में जा रहा है। समंदर के इस हिस्से पर कंट्रोल करने की एक वजह तो ये है कि दुनिया भर में जितने भी शिपिंग होती है उनमें से 50% या 50% साउथ चाइना सी से ही गुजर कर चीन, जापान, साउथ कोरिया और दूसरे देशों तक पहुँचती है। जबकि चीन का 80% तेल भी इसी रूट से सप्लाई होता है। यानी ये वाला समंदरी इलाका चीन की लाइफलाइन या शहरग है। जबकि दूसरी वजह यह है कि साउथ चाइना सी की गहराइयों में तेल और गैस के बेपनाह भंडार मौजूद है जिनकी पूरी वैल्यू का अंदाजा अभी तक नहीं लगाया जा सका। चीन ने तो 2014 में पैरासिल आइलैंड के पास एक ऑयल रिग भी नस्ब करवाया था, लेकिन वियतनाम के विरोध और इंटरनेशनल प्रेशर के बाद चीन ने यह ऑयल रिग हटवा लिया। ठीक इसी तरह से स्प्रेटली आइलैंड्स पर चीन के दावे के खिलाफ फिलिपाइन ने हैग की इंटरनेशनल कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा लिया था। इंटरनेशनल कोर्ट ने फैसला दिया था कि चीन का इस इलाके पर कोई हक नहीं है। इसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल कानून के मुताबिक कोई भी देश अपनी समंदरी सरहद के साथ 200 नॉटिकल मील यानी 370 किलोमीटर तक ऐसे इलाकों पर अपना हक जता सकता है जहां पर थोड़ा सा ही कुदरती वसाइल मौजूद हो। लेकिन क्योंकि स्प्रेटली आइलैंड्स में अभी तक कोई भी वसाइल नहीं मिले
और यहाँ पर कोई बड़ा टापू नहीं बल्कि सिर्फ चट्टाने और धूल वगैरह है, इसलिए चीन इस इलाके पर कब्जा नहीं कर सकता। लेकिन एक और बात ये कि चीन ने इंटरनेशनल अदालत का फैसला मानने से भी इनकार कर दिया है। चीन के हरीफ यानी खिलाफ खड़े होने वाले देशों के साथ मसला ये है कि वो स्प्रेटली आइलैंड पर अपने फौजी अड्डे नहीं बना सकते, क्योंकि ये टापू बहुत ही छोटे है, जबकि इनके मुकाबले चीन ने इसका एक जबरदस्त हल निकाल रखा है, और वो हल है बनावटी टापू। चीन स्प्रेटली आइलैंड और पेरासिल आइलैंड पर तकरीबन 10 के करीब टापू बना चुका है, जबकि इसके अलावा और बहुत से टापुओं पर भी काम जारी है। ये बनावटी टापू असल में ऐसी समंदरी चट्टानों पर बनते हैं जो समंदर की बाहरी सतह के बहुत करीब होती है। इन चट्टानों को रीफ कहा जाता है, जो बनावटी टापुओं के लिए मजबूत सहारे का काम करती है। स्प्रेटली आइलैंड्स और पेरासिल आइलैंड्स में ऐसी चट्टानों की भरमार पड़ी है। चीन ने ये टापू बनाने के लिए दो समंदरी जहाज तियानजिन और तियानकुन तैयार कर रखे हैं। ये जहाज समंदरी चट्टानों को तोड़कर बराबर करते हैं और फिर इन पर मिट्टी डालकर इन्हें टापुओं में डाल देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ चीन का विरोध करने वाले देश ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि बनावटी टापुओं की तामीर के लिए इनके पास रिसोर्सेस ही नहीं है। चीन के सिर्फ एक बनावटी टापू सीओबी रीफ पर तो 400 से ज्यादा इमारतें बनवाई गई है। इन सारे टापुओं पर चीनी जहाज खड़े हैं, लड़ाकू हवाई जहाजों के लिए एयरपोर्ट और रनवेज भी बन चुके हैं। यहाँ पर बिजली की सप्लाई के लिए पवन चक्कियां भी नस्ब कर दी गई है। आने वाले कुछ ही सालों में यहाँ पर लाखों चीनी फौजी, सैकड़ों हवाई जंगी जहाज और समंदरी जंगी जहाज भी तैनात हो सकते हैं। यानी इस इलाके में चीन की ताकत को चैलेंज करना नामुमकिन हो जाएगा। चीन को और ज्यादा बनावटी टापू बनाने से रोकने के लिए ही फिलिपाइन की नेवी ने 1999 में एक चट्टान जिसे सेकंड थॉमस सोल भी कहते हैं, उसी पर अपना जहाज खड़ा कर दिया। इस जहाज पर फिलिपाइनी फौजियों ने छोटी सी मिलिट्री बेस भी बना रखी है, जहां पर सप्लाई या तो हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचती है या छोटी छोटी नाव के जरिए। लेकिन अब कोई बड़ा जहाज इसकी मदद के लिए नहीं आ सकता। पहला जहाज तो इस वजह से चट्टान तक पहुंच गया था क्योंकि उस वक्त वहां पर चाइनीज नेवी ज्यादा अलर्ट नहीं थी, लेकिन अब चाइनीज नेवी और कोस्ट गार्ड्स ने चट्टान और जहाज को चारों ओर से घेर लिया है और सिर्फ छोटे जहाजों को ही वहां पर जाने की इजाजत दी गई है। जिस दिन फिलिपाइन का ये जहाज टूट फूट कर पानी में गर्क हो जाएगा, उस दिन समंदर का ये इलाका भी चीन के कब्जे में चला जाएगा। और इसी वजह से तो फिलहाल इस चट्टान को चीन के रास्ते की आखिरी दीवार भी कहा जा रहा है। फिलिपाइनी ने भी इस जहाज को कुछ अरसा और बचाए रखने के लिए वहां पर सीमेंट, स्टील और बहुत सा सामान बेचकर इस जहाज की मरम्मत भी करवाती रहती है। अगर देखा जाए तो ये बिल्ली चूहे के खेल की तरह है जो कुछ साल तक जारी रह सकता है। अगर चीन चाहे तो इन मुट्ठी भर फौजियों को जबरदस्ती भी हटा सकता है, लेकिन वो किसी जंग में उलझना नहीं चाहता। चीन ने आखिरी बार साल 1888 में वियतनाम के खिलाफ फौजी कार्यवाही की थी। दरअसल चाइनीज नेवी ने वियतनाम के कब्जे वाले टापू पर हमला कर दिया था। इस हमले में 60 से ज्यादा वियतनामी फौजी मारे गए और उनके दो ट्रांसपोर्टर समुद्री जहाज भी डूब गए थे और टापू चीन के कब्जे में जा चुका था। इस बात को तकरीबन 30 बरस गुजर चुके हैं, लेकिन फिलहाल तो चीन फिलिपाइनी नेवी के इस छोटे से फौजी अड्डे को भी बर्दाश्त कर रहा है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि साउथ चाइना सी में पूरी तरह से माहौल शांत हो चुका है। चीन के हरीफ देशों की यह शिकायत है कि चाइनीज नेवी दूसरे देशों की शिपिंग और व्यापारियों को परेशान करती है। कुछ सालों पहले ही पेरासिल आइलैंड्स के करीब ही चीनी समुद्री जहाज की टक्कर से वियतनाम की एक कश्ती भी डूब गई थी। वियतनाम का दावा था कि वो कश्ती चीन ने जानबूझकर टक्कर मारकर डुबोई थी। वियतनाम तो अपने कश्तियां चलाने वालों को हथियार देने पर भी गौर कर रहा है। सो दोस्तों, चीनी और वियतनामी कोस्ट गार्ड्स की बोट्स भी आए दिन एक दूसरे से टकराती रहती है। बल्कि चीनी कोस्ट गार्ड्स तो वियतनामी कश्तियों पर वाटर कैनन से पानी की बौछार करके उन्हें धमकाते भी रहते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि चीन के मछुआरे भी इस इलाके पर कब्जा बरकरार रखने में चीनी फौज का साथ दे रहे हैं। साल 2012 में चाइनीज पेट्रोलिंग बोट्स और फिलिपाइनी नेवी के एक शिप के बीच में लड़ाई होते होते रह गई थी। यही वजह है कि फिलिपाइन और वियतनाम चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका से मदद ले रहे हैं। फिलिपाइन के साथ तो साल 1951 से ही अमेरिका का फौजी करार भी कर लिया गया है, जो आज तक बरकरार है। इस करार के हिसाब से अगर कोई भी देश फिलिपाइन या अमेरिका पर हमला करे तो दोनों देश एक दूसरे का साथ देंगे। इसी करार के तहत अमेरिका और फिलिपाइनी आर्मी मिलकर एक साथ जंग की प्रैक्टिस भी करती रहती है, जबकि अमेरिका वियतनाम को समंदर में पेट्रोलिंग के लिए हथियारों से लैस जहाज भी दे रहा है ताकि चाइनीज कोस्ट गार्ड इन्हें टक्कर मारकर उलट ना दे। दोस्तों, ये वही वियतनाम है जहां तकरीबन 45 बरस पहले चाइनीज और वियतनामी फौज ने मिलकर अमेरिका को दो बार हराया था। लेकिन अब यही वियतनाम चीन के खिलाफ खड़ा होकर अमेरिका का दोस्त बन बैठा है।
इसीलिए तो कहा जाता है कि दुनियावी सियासत में कोई भी किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। अमेरिका को चीन का रास्ता रोकने के लिए ताइवान, फिलीपाइन और वियतनाम की जरूरत है, इसलिए वो इन तीनों देशों की दिल खोलकर मदद कर रहा है। अमेरिकी नेवी के 7th फ्लीट ने तो साउथ चाइना सी में डेरे डाल लिए है। अमेरिका के कम अज कम 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और जासूसी जेट्स इस इलाके में पेट्रोलिंग करते रहते हैं। अमेरिकी समंदरी जंगी जहाज जानबूझकर चीन के बनावटी टापुओं के करीब से होकर भी गुजरते हैं। अमेरिका कहता है कि दुनिया का कोई भी देश साउथ चाइना सी में शिपिंग को रोक नहीं सकता, और अमेरिका फ्री नेविगेशन के हक के तहत साउथ चाइना सी में पेट्रोलिंग कर रहा है। मगर अब ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि चीन अमेरिका के मुकाबले में बिल्कुल बेबस खड़ा हो। चीन अपने तरीके से अमेरिका को सख्त पैगाम भेजता रहता है। ऐसा ही एक पैगाम 2006 में अमेरिका को दिया गया था। वो पैगाम दिया गया था अमेरिकी सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर कैटी हॉक के जरिए। साउथ चाइना सी के इलाके में अमेरिकन नेवी की सबसे बड़ी ताकत उसके एयरक्राफ्ट कैरियर ही है, और एयरक्राफ्ट कैरियर की सिक्योरिटी इतनी सख्त होती है कि कोई भी परिंदा या मछली भी नजरों में आए बगैर नहीं गुजर सकती। यहाँ तक कि समंदर में सैकड़ों मील दूर तक होने वाली छोटी सी नकलो हरकत की खबर भी एयरक्राफ्ट कैरियर को मिल जाती है। लेकिन साल 2006 में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर कैटी हॉक जापान के करीब समंदर में फौजी प्रैक्टिस कर रहा था। 1000 फीट लंबे समंदरी जहाज पर 4500 लोग मौजूद थे। इसकी हिफाजत के लिए 12 छोटे जंगी जहाज भी तैनात थे। इन सारे जहाजों के सोलर सिस्टम और सेंसर समंदर के अंदर हरकत करती हुई हर चीज को देख रहे थे। लेकिन अचानक ही कैटी हॉक से कुछ दूर समंदर में हलचल हुई, और फिर अचानक ही 160 फुट लंबी एक चाइनीज सबमरीन समंदर की सतह पर आ गई। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर इस चाइनीज सबमरीन के टॉर्पिडोज की जद में था। ये चाइना की मॉडर्न सॉन्ग क्लास सबमरीन थी, जो अमेरिका के 12 जंगी जहाजों और एक सुपर एयरक्राफ्ट के सेंसर्स और सोनार सिस्टम को धोखा देकर उनके नीचे पहुंच चुकी थी। ये सबमरीन कुछ देर वहां ठहरी, और फिर जिस खामोशी से आई थी उसी खामोशी से समंदर की तह में वापस चली गई। अमेरिका की सारी टेक्नोलॉजी धरी की धरी रह गई। साथ ही साथ ये भी बताते चले कि सबमरीन को डिटेक्ट करने के सिस्टम्स इतने स्मार्ट है कि सबमरीन के प्रोपेलर की आवाज भी सुन लेते हैं। यहाँ तक कि सबमरीन के चलने से पानी में जो हलचल पैदा होती है वो भी इन सेंसर्स की पकड़ में आ जाती है। इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी के होते हुए भी एक चीनी सबमरीन का अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के इतने करीब पहुंच जाना, और वो भी ऐसे वक्त में जब फौजी तैयारियां चल रही हो, यानी उस वक्त जब एयरक्राफ्ट कैरियर और उसकी सिक्योरिटी फुल अलर्ट थी। देखा जाए तो ये अमेरिकी मिलिट्री लेवल का एक बहुत बड़ा ब्लंडर था, एक गलती थी। यूरोपीय देशों में तो इस बात पर हंगामा खड़ा हो गया, और अमेरिकी जनरल को बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी। यही नहीं, 2015 में भी एक चीनी सबमरीन ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर रोनाल्ड रेगन का पीछा किया था। चीन ऐसी बहुत सी सबमरीन बना रहा है जो रडार या सेंसर की पकड़ में नहीं आती। 2015 में एक चाइनीज योन क्लास सबमरीन इसी तरह इंडिया के समंदर से गुजरकर पाकिस्तान के अंदर पहुंच गई थी, और कराची में एक हफ्ता गुजारकर वापस चीन चली भी गई। लेकिन इंडियन नेवी को इस बात की कानों कान खबर तक नहीं हुई। हैरान करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान भी चीन से योन क्लास की 8 स्टेल्थ क्लास की सबमरीन खरीद रहा है, जिनकी सप्लाई पाकिस्तान को 2028 तक कर दी जाएगी। लेकिन चीन का चमेला सिर्फ साउथ चाइना सी तक ही नहीं है, बल्कि उसके पूर्वी समंदर यानी ईस्ट चाइना सी में भी एक और लड़ाई चल रही है। यहाँ पर 8 छोटे छोटे टापू है जो सेंकाकू आइलैंड्स कहलाते हैं। चीन का दावा है कि ये टापू 15वीं सदी से उसके अपने कंट्रोल में थे, लेकिन फिर जापान ने 1895 की जंग में इन टापुओं को चीन से छीन लिया था, इसलिए जापान इन टापुओं को चीन को वापस करे। लेकिन जापान का कहना है कि इन टापुओं के असली मालिक वो जापानी शहरी है जो दूसरे वर्ल्ड वॉर से पहले यहाँ पर आबाद हुआ करते थे। ये इलाके भी तेल और गैस के जखीरों से भरे पड़े है। 1912 में जापान ने इन टापुओं के पुराने मालिकों के खानदान को $2.5 करोड़ देकर 3 बड़े टापू खरीद लिए। इस बात पर चीन में पगदड़ मच गई, बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। चीन की जनता ने जापान के स्टोर्स में तोड़फोड़ शुरू कर दी। बीजिंग में जापानी असेंबली के बाहर तो पुलिस ने बड़ी मुश्किल से गुस्साई हुई जनता को काबू में किया। प्रदर्शनकारियों ने जापान के दोस्त अमेरिका के झंडे भी जलाए। कुछ जोशीले चीनी नौजवान तो सिंकाकू आइलैंड्स पर पहुंचे, और उनमें से एक टापू पर चीन और ताइवान के झंडे फहरा दिए। जापानी कोस्ट गार्ड्स ने इनकी बोट को घेर लिया और नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद चीन ने इस इलाके में पेट्रोलिंग बोट्स भेजी और जापान को भयानक नतीजों की धमकियां भी दी। लेकिन पीठ पर अमेरिका का हाथ होने की वजह से जापान टस से मस नहीं हुआ।
तो ऐसे संगीन हालात में जबकि खित्ते के सारे देश तकरीबन चीन के खिलाफ हो चुके हैं, तो चीन को अपनी सप्लाई लाइन खतरे में नजर आने लगी है। चीनी पॉलिसी मेकर्स को मालूम है कि खित्ते में कोई भी जंग हुई तो चीन के दुश्मन देश चीन की सप्लाई लाइन दो जगहों से काट सकते हैं। पहली जगह तो साउथ चाइना सी ही है, जहां अमेरिकन नेवी फिलीपाइन और वियतनाम से मिलकर चीन की सप्लाई लाइन काट सकती है। इसीलिए चीन इस इलाके में बनावटी टापुओं के जरिए अपना कंट्रोल और ताकत बढ़ा रहा है। लेकिन अगर वो साउथ चाइना सी को महफूज कर भी ले, तब भी इसकी सप्लाई लाइन आबनाई मलाका यानी मलेशिया के इर्द गिर्द के हिस्से से कट सकती है, क्योंकि इसके दोनों तरफ मौजूद देश इंडोनेशिया और मलेशिया भी अमेरिका के कुछ हद तक साथी ही है। यानी ये रास्ता भी चीन के लिए महफूज बिल्कुल नहीं। तो फिर अब चीन करे तो क्या करे? सो इसलिए चीन के पास अपनी सप्लाई लाइन बचाने का एक ही तरीका था कि वो अपने पूर्वी समंदर को छोड़कर पश्चिम में जमीनी रास्तों के जरिए व्यापार शुरू करे। और इसी सोच ने तो एक बड़े प्लान को जन्म दिया, जिस प्लान का नाम ही वन बेल्ट वन रोड है और जिसकी पूरी कहानी हम आपको पिछले एपिसोड में दिखा भी चुके हैं। वन बेल्ट वन रोड चीन की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को तो काफी हद तक महफूज कर देता है, लेकिन चीन के लिए असल मुद्दा तेल की सप्लाई का है। ये तेल की सप्लाई जो ईरान और खाड़ी के देशों से आती है, इसके लिए चीन के पास एक और ऑप्शन है, वो है म्यांमार यानी बर्मा। चीन आबनाई मलाका को बाईपास करके छोड़ के बर्मा की बंदरगाहों से भी अपने देश को तेल सप्लाई करवा सकता है। चीन ने तो बर्मा की बंदरगाह की तामीर के लिए एक करार भी कर लिया है। यहाँ पर तेल की पार्ट लाइंस बिछाने का प्लान भी चीन के मद्देनजर है, लेकिन ये मामला इतना भी आसान नहीं है और इसकी वजह है भारत। जी हाँ, अगर चीन को अपने तेल की सप्लाई बर्मा तक पहुँचानी है तो उसे भारत के करीब होकर गुजरना पड़ेगा, और भारत तो पहले ही चीन का दुश्मन और अमेरिका का दोस्त है। भले ही चीन ने श्रीलंका की बंदरगाह हेम्बनटोटा को 99 बरस की लीज पर ले रखा है, लेकिन जाहिर है वो भारत के मुकाबले के लिए अपनी पूरी नेवी फौज को श्रीलंका में तो नहीं ला सकता। सब एक और रास्ता है, वो है चीन की पश्चिमी सरहद, जिसमें ज्यादा हिस्सा सेंट्रल या मध्य एशिया का है। यानी तेल की सप्लाई तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान से गुजरकर चीन पहुंच सकती है। लेकिन चीन के चमेलों में से एक चमेला यहां पर भी मौजूद है, क्योंकि ये सारे देश चीन से ज्यादा रूस के अच्छे दोस्त है। इसलिए ये वाली सप्लाई लाइन भी आगे चलकर कभी ना कभी चीन के लिए बहुत बड़ा चमेला खड़ा कर सकती है। अब इसीलिए चीन को एक ऐसे देश से रास्ता चाहिए जो इसका दोस्त भी हो, बल्कि उसकी और चीन के मकसद भी एक ही हो। अब तक शायद आप समझ ही चुके होंगे कि वो देश कौन सा है। जाहिर है पाकिस्तान के अलावा खित्ते में चीन का कोई भी बेहतरीन दोस्त नहीं है। दूसरी तरफ चीन को महफूज सप्लाई रूट देने में पाकिस्तान का भी एक बहुत बड़ा फायदा छुपा है। वो फायदा आखिर क्या है? स्वास्थ्य तकरीबन 50 बरस पहले साल 1971 में जब भारत पाक जंग हो रही थी, तो भारत की 3 मिसाइल बोट्स ने कराची की बंदरगाह पर हमला किया था, जिस हमले में पाकिस्तान के 2 बड़े समंदरी जंगी जहाज खैबर और मुहाफिज को डुबो दिया गया था। इसी हमले में पाकिस्तान की कई कार्गो शिप्स भी तबाह हुई और दरिया किनारे पर पड़े ऑयल के टैंकर में भीषण आग लग गई। भारत ने कराची पर हवाई हमले भी किए, जिन हमलों ने पाकिस्तान की सप्लाई लाइन को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया। उसी वक्त से पाकिस्तान समझ गया था कि आने वाले वर्षों में अगर किसी भी जंग की सूरत में अपनी सप्लाई लाइन को महफूज रखना है तो कराची का कोई हिफाजत करने वाला या कराची का डिफेंस ढूंढना ही होगा। भले ही 1971 की जंग के बाद पाकिस्तान की नेवी भी मॉडर्न मिसाइलों से लैस हो चुकी हो, यहाँ तक कि कराची में तो पाकिस्तानी एयरफोर्स के एक बेस भी मौजूद है, अगर अब कोई जंग हो तो भारतीय नेवी के लिए कराची पर हमला करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। लेकिन मिलिट्री कैलकुलेशन इतनी बारीकी से की जाती है कि छोटे से मामूली से रिस्क को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दोस्तों, पाकिस्तान के कराची के लिए सबसे बड़ा खतरा गुजरात का एयरबेस जामनगर है। ये एयरबेस इंडियन एयरफोर्स की उत्तरी पश्चिमी कमान के अंदर है। इस बेस से कराची का फासला सिर्फ 400 किलोमीटर है और जामनगर से उड़ने वाला कोई भी फाइटर जेट 5 से 10 मिनट में कराची पहुंच सकता है। यानी पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास इसके जवाबी हमले की तैयारी के लिए 4 से 5 मिनट ही होंगे। सो इसी वजह से इन हालात में पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स को कराची का अल्टरनेटिव और डिफेंस हर सूरत में मजबूत करना था, और ये अल्टरनेटिव डिफेंस उनकी नजर में कराची से 600 किलोमीटर दूर मौजूद ग्वादर था, जो भारत की सरहद से बड़ी हद तक दूर और महफूज भी है। यानी अगर पाकिस्तान ग्वादर से ही अपनी सारी सप्लाई लाइन बना ले तो किसी भी जंग के दौरान वो ज्यादा महफूज हो जाएगा। यानी ग्वादर पर पाकिस्तान और चीन दोनों की दिलचस्पी एक हो गई है। इसी एक जैसी दिलचस्पी का नतीजा ही सीपैक कहलाता है। सीपैक के जरिए चीन और पाकिस्तान दोनों ग्वादर की बंदरगाह से अटैच हो रहे हैं।
यानी अगर कहा जाए तो ग्वादर अब पाकिस्तान और चीन दोनों की हिफाजती सप्लाई लाइन बन रहा है। चीन का इसका फायदा यह है कि ग्वादर वो जगह है जो ईरान और खाड़ी के देशों से आने वाले तेल को बड़े ही महफूज रास्ते से चीन पहुंचा सकता है। इस वक्त चीन की तेल सप्लाई को भारत के नीचे से चक्कर काटकर मलाका स्टेट्स यानी मलेशिया के इर्द गिर्द के समंदरी रास्ते से और फिर वहां से साउथ चाइना सी के जरिए चीन जाना पड़ता है। एक तो ये फासला 10,000 किलोमीटर लंबा है और दूसरा मसला ये कि इस रास्ते पर जगह जगह चीन के दुश्मन देश मौजूद है, यानी ये रास्ता एक तो ज्यादा लंबा है और दूसरा महफूज तो बिल्कुल भी नहीं है। जबकि इस तरफ जमीन का रास्ता चीन के शहर काशगर से पाकिस्तान के ग्वादर का फासला सिर्फ 2,500 किलोमीटर ही है, जो कि पहले वाले से कम और महफूज भी है। भले ही इस रास्ते पर यह एतराज किया जा सकता है कि समंदरी रास्ते से तेल ले जाने का खर्च जमीनी रास्ते से बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी पहले वाले रास्ते से तो इस रास्ते का फासला बहुत कम है, इसलिए चीन इस रास्ते पर ज्यादा खर्च करने का रिस्क भी ले सकता है। यही तो वजह है कि चीन सीपैक में 56 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसके अलावा सऊदी अरब भी ग्वादर में 10 अरब डॉलर की ऑयल रिफाइनरी बनाने का ऐलान कर चुका है, जिससे जाहिर है चीन को भी फायदा पहुंचेगा। लेकिन सीपैक सिर्फ सप्लाई लाइन का ही प्लान नहीं बल्कि एक पूरा इकोनॉमिक पैकेज है। साल 2017 में सीपैक का जो मास्टर प्लान सामने आया था, इसके हिसाब से चीन पाकिस्तान में 6,500 एकड़ जमीन के इलाके पर फसलों की पैदावार बढ़ाने का काम भी शुरू करेगा। फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स भी लगाए जाएंगे, जिनमें से सिर्फ सखर के 2 प्लांट सालाना 2,00,000 टन गोश्त का उत्पादन करेंगे। सिर्फ यहीं पर बस नहीं बल्कि 10,00,000 टन अनाज के उत्पादन के प्लांट्स भी लगेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान हर साल चीन को सबसे ज्यादा 80,000 टन संगमरमर के पत्थर एक्सपोर्ट करता है, इसलिए गिलगित और कोहिस्तान से लेकर बलूचिस्तान में खुजार तक संगमरमर और ग्रेनाइट की प्रोसेसिंग की फैक्ट्रियां भी लगेंगी। कहा जाता है कि पाकिस्तान में सोने, हीरे और बहुत सी धातुओं के जखीरे भी तलाश किए जाएंगे। पाकिस्तान और चीन के बीच में सीपैक के प्लान के 4 अहम देश या स्पेशल इकोनॉमिक जोन इस्लामाबाद, फैसलाबाद, रश्काई और धाबेजी के अंदर बनाए जाएंगे। इसी सीपैक प्लान के जरिए पाकिस्तान अफगानिस्तान को बाईपास करके सेंट्रल एशिया को भी ग्वादर से जोड़ सकता है। ग्वादर की अहमियत देखिए कि अब तो रूस भी सीपैक में शामिल हो रहा है। लेकिन जहां सीपैक के इतने फायदे हैं, वहीं इस पर बहुत से खर्चे और डाउट्स भी है। सीपैक का विरोध करने वालों का बड़ा एतराज तो ये है कि चीन पाकिस्तान को कर्जों के जाल में फंसा कर ग्वादर को अपना हिस्सा या अपना कॉलोनी बना लेगा। जैसे जब श्रीलंका चीन को कर्ज वापस नहीं कर सका तो चीन ने इसके बदले में श्रीलंका की बंदरगाह हेम्बनटोटा को 99 बरस की लीज पर ले लिया है, वैसे ही शिकायतें और डाउट्स ग्वादर के बारे में भी पैदा की जा रही है। इसलिए बहुत सारे लोग तो सीपैक के प्लान को पाकिस्तान की आजादी के खिलाफ ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा ही समझ रहे हैं। यूरोपियन और हमारा भारतीय मीडिया भी इन डाउट्स को हवा देता हुआ नजर आता है। भारतीय अखबार द इकोनॉमिक टाइम्स ने तो लिखा कि सीपैक के प्लान से चीन को पाकिस्तान की इकोनॉमी पर पूरा कंट्रोल मिल जाएगा, जिससे पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। अब ये सारे सवाल और एतराज सही है या सिर्फ प्रोपेगेंडा, इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही कर सकता है। फिलहाल यही कहा जा सकता है कि आज की दुनिया में जो देश अपने व्यापारी रास्तों को बंद करते हैं, वो उत्तरी कोरिया की तरह तरे के तरे रह जाते हैं। अगर पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स और जनता सीपैक को एक अपॉर्चुनिटी समझे और अगर खुद को अपग्रेड करे, तभी सीपैक उनके लिए सोने की कान साबित हो सकता है। लेकिन सीपैक पर सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया ही एतराज नहीं कर रहा, बल्कि सीपैक के सामने सबसे बड़ी 2 चुनौतियां अमेरिका और भारत की मुखालिफत है। इनमें से भारत का एतराज ये है कि सीपैक गिलगित बल्तिस्तान से गुजरता है, जो पाकिस्तान और भारत का विवादित इलाका है, इसलिए भारत ने इसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी जेम्स मैटिस ने भी भारत की हिमायत में बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत की बात सही है, सीपैक उसी विवादित इलाके से होकर ही गुजरता है। 5 साल पहले अमेरिकी नेशनल टेलीविजन के डायरेक्टर डेनियल कोर्टिस ने खबरदार किया कि सीपैक से दहशतगर्दों को नए टारगेट्स मिलेंगे। अब ये धमकी थी या उनकी खुद की सोच, इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जैसे जैसे सीपैक आगे बढ़ रहा है, इसकी मुखालिफत भी तेज हो रही है। यूएन ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सीपैक पर पाक इंडिया टेंशन और बढ़ेगी। अब जबकि अमेरिका और भारत सीपैक के खिलाफ है, इसलिए पाकिस्तान ने भी सीपैक की सिक्योरिटी पर खास ध्यान देना शुरू कर दिया है। इस काम के लिए एक स्पेशल फोर्स द टास्क फोर्स 88 बनाई गई है। इसी फोर्स ने ग्वादर की पहरेदारी संभाल ली है। दोस्तों आपको बता दें कि सीपैक और वन बेल्ट वन रोड मॉडर्न दुनिया के शायद सबसे बड़े प्लान है, इसलिए इसकी सिक्योरिटी टाइट होना भी जरूरी है।
और ये दो प्लान बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसके बारे में हमारे भारत को भी कुछ न कुछ सोचना चाहिए। आपसी दुश्मनी भुलाकर सबसे पहले देश का फायदा कहाँ हो रहा है वो देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। सो वो कौम जो 100 साल पहले ही अफ्यून और चरस के नशे में तुत थी, वही कौम आज साउथ चाइना सी में बनावटी टापुओं से लेकर ग्वादर तक एक नई दुनिया तैयार कर रही है और बहुत सी टेक्नोलॉजी में भी दुनिया में सबसे आगे निकल रही है। लेकिन ये सब इनको यूं ही नहीं मिल गया। इस बुलंदी पर पहुंचने के लिए इन्होंने बहुत सी तकलीफें उठाई, सैकड़ों इनकलाब किए और बहुत से इनकलाब में तो बदतरीन नाकामी भुगतनी पड़ी, जैसे द ग्रेट लीप फॉरवर्ड और चीनी सांस्कृतिक आंदोलन। अनगिनत देशों से जंगें लड़ी। इन जंगों में और इसके अलावा अंदरूनी लड़ाइयों में चीन ने अपने करोड़ों लोग खो दिए। बहुत सी जंगों में चीन ने बहुत से देशों को हराया, तो कभी किसी दूसरे देश की पीठ बनकर उन्हें उनके दुश्मनों से जिताया। यानी देखा जाए तो चीन किंग भी बना रहा और किंग मेकर भी। हार कर फिर खड़े होना और लगातार कुछ न कुछ बदलाव लाते रहने की सोच ने आज चीन को उन बुलंदियों पर पहुंचा दिया है, जहां तक पहुंचने के लिए बहुत से देश रात दिन कोशिशें करते रहते हैं। तो दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ चाइना पर बनी सीरीज यहीं पर खत्म होती है। इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें, ताकि वो भी इतने इंटरेस्टिंग इतिहास को जान सके, समझ सके। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, किसी और नई दास्तान में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान में रहे। अस्सलाम वालेकुम।